हाय दोस्तों, तो आज हम लोग जिस वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे वो वेब सीरीज रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे और ये वेब सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर थी। पॉपुलर इसके कंटेंट को लेकर थी क्योंकि मुस्लिम और क्रिश्चियंस को लग रहा था कि उनके रिलीजन को गलत बताएगी, या तो कितने लोगों को ये भी कह रहा था कि यहाँ पर दज्जाल को सीधा सीधा एक पॉजिटिव इंसान या एक अच्छा इंसान बताने की कोशिश की गई, और कितने लोगों को ये भी लगता कि जो इल्यूमिनाटी या इलाइट या कुछ ऐसे लोग जो दज्जाल को फॉलो करते हैं, दज्जाल को पसंद करते हैं, दज्जाल का वेट कर रहे हैं उनका दुनिया में आने का, तो उन लोगों ने ये वेब सीरीज बनाई, लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर सकती है, यानी कि लोगों के जहन में ये चीज डाले कि जब दज्जाल एक्चुअली दुनिया में आएगा तो वो एक अच्छा इंसान होगा, वो लोगों की मदद करेगा, वो सब चीजें करेगा जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तो क्या ये सब चीजें हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिली, और क्या वाकई में ये किसी रिलीजन को गलत बताता है, या वाकई में दज्जाल को सही बताता है, या ईसा मसीह को गलत बताता है, या किसी फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में ये वेब सीरीज है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो इस वेब सीरीज की कहानी बता के मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं आप लोगों का मजा है जो खराब करूं, क्योंकि यहाँ पर स्पॉइलर हो जाएगा, क्योंकि इस वेब सीरीज में 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड के लिए लगभग 50 मिनट और 39 मिनट के बीच में ये। तो जब आप इतना वक्त किसी वेब सीरीज के लिए डालोगे तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो मजा है वो मजा खराब हो। सिर्फ मैं आपको एक ऊपर ही ऊपर से बता दूं, कहानी एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर है जिसे इस वेब सीरीज में नाम है अल मसीहा, उसके लोग काफी दीवाने होते हैं, और ये वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है सीरिया में, और सीरिया में हमें वो कैरेक्टर फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है, और काफी लोग उसके वहीं से मुरीद बनना या उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और यही वजह होती है जो CIA अमेरिका की CIA उनके ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है, और अमेरिका के CIA के अलावा काफी दूसरी एजेंसी भी उसके पीछे पड़ जाती है, और वो उसके बाद क्या वो उसको पकड़ पाती है, क्या वो वाकई में दज्जाल है या ईसा मसीह या कोई फिक्शनल कैरेक्टर या तो कोई जादूगर, ये सब कुछ सवाल के जवाब आपको इस वेब सीरीज में मिलेंगे। अब मैं आपको बताता कि ये वेब सीरीज आपको क्यों देखनी चाहिए। तो देखिए, इस वेब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है नो डाउट दज्जाल के ऊपर बेस है, लेकिन ये वाकई में दज्जाल या ईसा मसीह या कोई फिक्शनल कैरेक्टर है ये ना मैं बता सकता हूँ, ना ही ये वेब सीरीज में आपको सवाल का जवाब मिला है, क्योंकि ये वेब सीरीज अभी कंप्लीट है नहीं। ये वेब सीरीज में अभी फिलहाल 10 ही एपिसोड से 10 एपिसोड में मोस्टली हमें ये चीज बताया कि जब इस तरीके का कोई लीडर या इस तरीके का कोई सेवियर आएगा या इस तरीके का कोई कैरेक्टर इस दुनिया में आएगा तो दुनिया के लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कैसे उसको फॉलो करेंगे, कैसे उसको पसंद करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उससे नफरत करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने पॉलिटिकल फायदे उठाने के लिए शख्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीजों पर फोकस करती है फिलहाल ये वेब सीरीज। उसके अलावा इसमें कुछ सब प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। खैर, अब मैं आपको बता दूं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में मुझे सभी किरदारों का काम बहुत अच्छा लगा, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कोई भी ओवर एक्टिंग या अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा, ऐसा कहीं से भी फील नहीं हो रहा था। तो सभी एक्टर्स ने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ पर एक ही एक्टर का नाम लूंगा, वो है मेहदी दाबी, जिसने यहाँ पे रोल प्ले किया अल मसीहा का। उसके डायलॉग्स ज्यादा नहीं है, लेकिन जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन है वो कम बातों में भी बहुत कुछ कह देता है, और अगर आप ये वेब सीरीज देखोगे तो स्पेशली जब भी उसका सीन आएगा तो आप उसके सीन पे उसके चेहरे की तरफ ही फोकस करोगे, क्योंकि उसके चेहरे में जिस तरीके से पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा ना, आप ऐसा फील करोगे कि वो कहना तो कुछ चाहता है लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा था। यही चीज आपको इस वेब सीरीज की बहुत अच्छी लगी, और उनका परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त लगेगा, और वो एक कैरेक्टर को इतना लाजवाब तरीके से निभाए कि पूरी की पूरी सीजन में आप यही सोचोगे कि भाई आखिर में ये कैरेक्टर है कौन, ये दज्जाल है या ईसा मसीह है या कोई फिक्शनल कैरेक्टर या कोई मैजिशियन है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यही सवाल का जवाब आप पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक ढूंढते रहोगे, लेकिन आपको ये मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये वेब सीरीज कंप्लीट नहीं है। खैर, अब मैं आपको मेरी थ्योरीज बता दूं कि ये दज्जाल का कैरेक्टर हो सकता है या नहीं। तो देखिए, अगर आप इस्लामिक बुक को पढ़े हो, अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो, तो आप समझ जाओगे कि दज्जाल दुनिया में जरूर आएगा, और दज्जाल एक ऐसा फितना है जो लोगों को काफी दीवाना बनाए, काफी लोग उसको फॉलो करेंगे, एक हिसाब से लोग उसको लीडर या गॉड मानने लगेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे लोगों को अपनी असलियत बताएगा, लेकिन उस टाइम पे लोगों के पास कुछ और चारा नहीं रहेगा सिवा उसको मानने के, लेकिन जो खुदा को मानता है, जो अल्लाह का नेक बंदा, वो इससे और वो इससे लड़ेगा, और उसके माथे पे साफ पड़ पाएगा कि उसके माथे पे काफिर लिखा रहेगा। और मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी निशानियां जो दज्जाल के बारे में इस्लामिक बुक में है, तो जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और वो सब चीजें आप लोग इस सीरीज में भी नोटिस कर पाओगे। पहली बात यह है कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो वो काफी शहरों में घूमेगा, जिस भी शहरों में जाएगा काफी लोग उसके फैन हो जाएंगे, काफी लोग उसको फॉलो करते रहेंगे, और सिवाय वो मक्का मदीना में नहीं जा पाएगा। बस इस वेब सीरीज में भी आपको यही बताते हैं कि वो काफी कंट्रीज में जाता है अल मसीहा, और काफी लोग उसके फॉलोअर भी बढ़ते रहते हैं, काफी लोग उसके दीवाने भी बन जाते हैं। उसके अलावा
और एक और निशानी कि सोशल मीडिया के थ्रू दज्जाल काफी फेमस होगा जब भी वो इस दुनिया में आएगा। और इस सीरीज में ऐसा बताया कि अल मसीह सोशल मीडिया के थ्रू वायरल वीडियो के थ्रू काफी ज्यादा फेमस होता है। तीसरा ये है कि दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो वो एक ऐसी हैरत अंगेज चीजें करेगा जो इंसान के बस में नहीं है, मतलब इंसान वो सब चीजें कर ही नहीं सकता, जैसे कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना जो कि सिर्फ दज्जाल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने दज्जाल को कुछ इस तरीके से ताकत दी वो ये सब चीजें कर सकता है जो अल्लाह की दी हुई नेमत को वो गलत चीजों में इस्तेमाल करता है और वो ऐसे ही दुनिया में आकर भी करेगा। तो इस वेब सीरीज में भी आपको वो चीज बताएगी 10वें एपिसोड में कि अल मसीह वो दो लोगों को जिंदा करते हुए नजर आता है। तो ये कुछ ऐसी निशानी जो दज्जाल की हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस सीरीज में जो कैरेक्टर बताया वो दज्जाल है, वो दज्जाल नहीं कोई फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है। फिलहाल तो ये सिर्फ मेरी थियरी से, अगर आप लोग को ये सीरीज देखते तो आप उसको देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी नो डाउट। मुझे ये वेब सीरीज अच्छी लगी, ये वेब सीरीज स्लो है, कहीं कहीं पे आपको बहुत बोर करती है क्योंकि जो इसके सब प्लॉट है सब प्लॉट मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि वो लोग जो मेकर्स बताना चाह रहे थे वो हर एक कैरेक्टर को एक डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही डिटेल कहीं ना कहीं आपको बोर करती है। अगर मैं आप लोग से इतना बोलूंगा, अगर आप लोग ये वेब सीरीज देखना है तो आप लोग जरूर देखो, लेकिन मैं तो बस आपको सिर्फ मेरा ओपिनियन बता रहा हूं, असली जज तो आप लोग खुद हो। आप लोग इस सीरीज को देखकर खुद ही डिसाइड करो कि ये सीरीज आप लोगों को कैसे लगी। और आप लोगों ने ऑलरेडी इस सीरीज को देख चुके तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। प्लीज यार इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए मेरी कही बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को ज्यादा जरूर शेयर करना। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूं राशि शेख।